रविवार को राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 10 के खिताबी मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। खिताबी मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर महज 129 रन ही बनाए। टारगेट का पीछा करते हुए पुणे ने सिर्फ 128 रन ही बना सकी। पुणे को राहुल त्रिपाठी के रूप में 17 रन पर ही पहला झटका लग चुका था, लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे और कप्तान स्टीवन स्मिथ के बीच शानदार 54 रन की साझेदारी हुई। रहाणे 44 रन की पारी खेकर आउट हो गए। पुणे के कप्तान स्टीव स्मिथ ने भले ही 50 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली, लेकिन वो बेहद धीमा खेलते दिखे, जिसकी वजह से मैच अंत में फंस गया। वहीं आखिरी ओवर में जॉनसन ने लगातार 2 विकेट झटक मुंबई को मैच में हावी बना दिया। मुंबई की ओर से गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह 2 जबकि मिचेल जॉनसन 3 विकेट लेने में कामयाब रहे। मुंबई इंडियंस ने अपने तीनों खिताब रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते हैं। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा आईपीएल जीतने वाले कप्तान भी बन गए हैं। मुंबई की टीम ने रिकी पॉन्टिंग को कप्तानी से हटाकर रोहित को कप्तान बनाया था। आपको बता दें कि मुंबई सीजन में पुणे के सामने कहीं भी नहीं टिक पाया था। फाइनल मुकाबले से पहले मुंबई और पुणे की टीम 3 बार आमने सामने आई और तीनों बार पुणे की टीम ही जीती, लेकिन इस बार मुंबई ने बाजी मार ली और खिताब जीत लिया। इससे पहले दोनों लीग मैच और पहला क्वालिफायर पुणे ने जीता था। इससे पहले मुंबई की शुरुआत बेहद खराब रही। पारी के तीसरे ही ओवर में जयदेव उनादकट ने पार्थिव पटेल और लिंडन सिमंस को आउट कर इस टीम को मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद रन चुराने की कोशिश में अंबाती रायडू भी 12 रन बनाकर चलते बने। हालांकि रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को काफी हद तक संभाला, मगर वो भी टीम के खाते में महज 24 रन ही योगदान दे सके। इसके बाद मैदान पर किरण पोलार्ड आए, जब एक छक्का लगाकर सिर्फ 7 रन पर कैच आउट हो गए। हालांकि कृणाल पांड्या ने 37 गेंदों में 47 रनों की पारी जरूर खेली। फिलहाल के लिए इतना ही, आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 5 हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 22 मई को 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही गांधीनगर में अफ्रीकी विकास बैंक समूह की वार्षिक बैठक में भी शामिल होंगे। इस पर हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार समुदाय के 5 युवाओं ने भी सिर से बाल हटवाकर न्याय यात्रा की शुरुआत की। रविवार को जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में दलित समुदाय के लोगों ने न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के नेतृत्व में बुलाए गए इस धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 5 मई 2017 को सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों के समर्थन में था। आईपीएल 10 के खिताबी मुकाबले में रविवार को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में राइजिंग पुणे सुपर जायंट और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया, जहां मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 129 रन ही बनाए, जिसका पीछा करने उतरी पुणे की टीम सिर्फ 128 रन ही बना सकी। इसी के साथ मुंबई ने खिताब पर तीसरी बार कब्जा किया। पाकिस्तान की ओर से बढ़ती आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि सरकार आतंकवाद और पाकिस्तान की ओर से सीमा पर जारी आक्रामकता का जवाब देने के लिए कुछ निर्णायक कदम उठाएगी। शबाना आजमी ने 3 तलाक प्रथा की आलोचना करते हुए कहा कि ये एक अमानवीय प्रथा है और मुस्लिम महिलाओं के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभा सभ्य समाज के लिए नहीं है और इसके कायदे कानून महिलाओं का हक छीनता है और इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए।